नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की थी और इसे अमर्यादित टिप्पणी बताते हुए शिकायत की गई, जिसके बाद अब यह मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने यह FIR दर्ज कराई है। विदिशा जिले के कोतवाली थाने में यह पूरा मामला दर्ज कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त विदिशा से आपको बता रहे हैं। विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज करा दिया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर यह पूरी FIR हुई है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने यह FIR दर्ज कराई। विदिशा जिले के कोतवाली थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। अब इसके बाद पुलिस जांच करेगी, उस बयान को देखेगी, उस टिप्पणी को सुनेगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये मामला दर्ज हो चुका है। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव हैं जिन्होंने टिप्पणी की थी और इसे प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी बताते हुए विदिशा जिले के कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार की टिप्पणी थी, कब यह मामला दर्ज कराया गया। शैलेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पिछले दो दिन पहले ही जो विदिशा से विधायक है शशांक भार्गव, उनके द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। वो जो कोई वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद विदिशा के मंडल अध्यक्ष ने कोतवाली थाना इलाके में एक शिकायती आवेदन दिया था। उसके बाद विधायक पर जो है अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुके थे, जिस मामले में उनको जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि आज ये मामला दर्ज हुआ है, देर शाम ये मामला दर्ज हुआ। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या विधायक को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उनको शुरुआती तौर पर जमानत मिलती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसके पहले राजा पटेरिया जो है वो, उनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है और सभी को मालूम है क्या हुआ। लेकिन अब ये एक और विधायक, कांग्रेस के विधायक है शशांक भार्गव, इन पर मामला दर्ज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PCC चीफ कमलनाथ की। गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के पहले कमलनाथ ने, PCC चीफ ने हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बताया। गुरु पूर्णिमा से पहले हनुमान जी को गुरु अपना बताया है कमलनाथ ने, और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हनुमान जी से प्रार्थना है कि वे सबका कल्याण और सबका शुभ करें। गुरु पूर्णिमा का पर्व है कल और इस पर्व पर जाहिर सी बात है कि सभी जो शिष्य हैं अपने गुरुओं को प्रणाम करने के लिए आश्रम जाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में तमाम कार्यक्रम होने हैं और उसके पहले कमलनाथ ने हनुमान जी को अपना गुरु बताया है। वे पहले खुद को हनुमान भक्त भी बताते रहे हैं और छिंदवाड़ा में उन्होंने एक बड़ा भव्य मंदिर भी बनवा रखा है हनुमान जी का। लेकिन अब गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की हैं प्रदेश की जनता को और कहा है, लिखा है कि हनुमान जी से प्रार्थना है कि सबका कल्याण और सबका शुभ हो। लेकिन साथ ही अपना गुरु भी हनुमान जी को उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि PCC चीफ कमलनाथ जो हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं, खुद को बताते हैं हनुमान जी का भक्त। मंदिर भी उन्होंने तैयार करवाया है, आए दिन तस्वीरें भी सामने आती हैं, चाहे वो सुंदरकांड की हो या हनुमान चालीसा का पाठ करने की हो। लेकिन बीजेपी इसे अलग चश्मे से देखती है, बीजेपी इसे सियासी नजरिए से देखती है और कहती है कि ये केवल दिखावे की भक्ति है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक बार फिर से चुनावी साल है लेकिन एक बार फिर से कमलनाथ जो PCC चीफ भी हैं वो हनुमान भक्त के साथ साथ हनुमान जी महाराज को अपना गुरु भी बता रहे हैं, लगे हाथ गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए गुरु पूर्णिमा का पर्व है और ऐसे में गुरुओं की पूजा की जाएगी, लेकिन कमलनाथ ने हनुमान को अपना गुरु बताया है। जो जारी बयान है कमलनाथ ने, उसने कहा है कि हनुमान ही मेरे गुरु हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम मैं करता हूं। साथ ही कमलनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रदेश की सुख शांति समृद्धि जो है गुरु पूर्णिमा के मौके पर हनुमान जी से उन्होंने कामना की है। लेकिन कुल मिलाकर गुरु पूर्णिमा का पर्व और इसी बहाने अपनी हनुमान भक्ति दिखाने की कोशिश करते हुए कमलनाथ नजर आए, क्योंकि इससे पहले भी कमलनाथ हर कार्यक्रम में कहते हैं कि छिंदवाड़ा में विशाल हनुमान की प्रतिमा स्थापित की है और कांग्रेस पार्टी भी हनुमान का भक्त कमलनाथ को बताती है। लेकिन अब गुरु पूर्णिमा से पहले खुद कमलनाथ ने विज्ञप्ति जारी करके खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त और अपना गुरु हनुमान को बताया है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। देखना होगा कि सियासत की दुनिया में इसे किस तरीके से देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में प्रसिद्ध कथा वाचिका जया किशोरी ने प्रेस से बात की। इस दौरान यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे कानून के दायरे में होने की जरूरत बताई और कहा कि जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, वो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र मुहिम को लेकर भी कहा कि उन्होंने कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री को सुना नहीं है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उन्हें सनातनी होने के नाते खुशी जरूर होगी, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे में होना चाहिए। अपनी शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी वो शादी करेंगी सभी को जरूर बताएंगी। जया किशोरी ने वेब टीवी पर एडल्ट कंटेंट के साथ आदि पुरुष फिल्म के विवाद पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो आपको पसंद ना हो वो ना देखें। देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो तो बहुत अच्छी बात। धर्म के साथ राजधर्म की जो सीख है वो लेकर आप राजनीति करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति गलत नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो, क्योंकि पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने राजनीति करी है और कुछ नहीं करा, तो आप कृष्ण सी राजनीति करिए तो युद्ध जीत जाएंगे, दुर्योधन सी करेंगे तो हार जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान आज कर दिया। इंदौर में देवी अहिल्या के स्मारक का निर्माण किया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया और इसके लिए 3 एकड़ जमीन सरकार ने आवंटित भी कर दी है। इसके अलावा महेश्वर में अहिल्या देवी लोक का निर्माण भी किया जाएगा, अहिल्या लोक निर्मित किया जाएगा। प्रदेश में अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। इसमें पाल धनगर गडरिया और समाज की भारूल श्रीपाल गडेरी उपशाखा में शामिल हो बोर्ड के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अहिल्या देवी की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित होगा। सीएम हाउस में दरसलपाल महासभा के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान सारे ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे। उन्होंने झेरिया यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन में शिरकत की। यह समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव सम्मेलन में मौजूद थे। समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यादव समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यादव समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गौ सेवा करते आ रहा है। गौ सेवक के रूप में समाज के देश भर में विशिष्ट पहचान। जगदलपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। यहां पर कोडनार के पास डीजल टैंकर पलट गया और इस टैंकर के पलटने के बाद लूटने वालों की होड़ लग गई। लोगों में होड़ लग गई कि कौन कितना लूट ले जाए। जगदलपुर से दंतेवाड़ा ये टैंकर जा रहा था, कोडनार थाना क्षेत्र का मामला है।
डीजल इसमें भरा हुआ था, शायद कई लोगों को पता भी ना हो, लेकिन उन्होंने तो पहले तो होड़ ये मच गई कि कौन कितना लूट ले जाए, कौन कितना लूट ले जाए, तेल है तेल समझकर कौन कितना लूट ले जाए, इसकी होड़ मची हुई यहां पर नजर आई। और हर कोई, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिलाएं, सब कोई अपने अपने कनस्तर लेकर पहुंच गए इस तेल की लूट करने के लिए। यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। जगदलपुर से दंतेवाड़ा की तरफ यह टैंकर जा रहा था और कोडेनार थाना क्षेत्र का यह मामला जहां पर टैंकर पलट गया। गरियाबंद से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। सरार नाले में ट्रैक्टर गिर पड़ा, नाले में ट्रैक्टर गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में हालांकि बाल बाल लोगों की जान बच गई। नाले में सफाई का काम चल रहा था और इसी दौरान ट्रैक्टर पलट जाना, सफाई करते वक्त यह हादसा पेश आया। फिंगेश्वर नगर पंचायत का यह पूरा मामला है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। दुर्ग के मोतीपुर में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने दोनों लोगों की मौत पर दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए। बलरामपुर से खबर बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 343 पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा और इसकी वजह से दोनों तरफ जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई नजर आई। और बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खिड़की पर नवजात मिला है, अस्पताल की खिड़की पर नवजात को कोई छोड़कर चलता था। नर्स ने बीएमओ को इस बात की खबर की, जिसके बाद बच्चे को अंदर लिया गया। बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई थी, लिहाजा बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, इसके बाहर सीसीटीवी लगे तो हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, और जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बात का पता लगाना इतना आसान भी नहीं है कि कौन इस मासूम को ऐसे हालत में छोड़ गया। अब बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन बच्चे को छोड़कर कौन गया, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। और अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है, लेकिन अगर वहाँ सीसीटीवी अगर लगा जो है वो काम कर रहा होता तो जाहिर सी बात है कि पता भी चल जाता और जो दोषी है उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी हो सकती है। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कंठाल चौराहे पर 3 मंजिला एक इमारत में भीषण आग लग गई और इस भीषण आग की चपेट में परिवार के सदस्य भी आ गए। हालांकि जैसे ही खबर मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन साथ साथ पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और इस परिवार के सदस्यों को सुरक्षित वहां से निकाल दिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जो पहुंची थी, उसने इस आग को काबू में भी किया, घर से सुरक्षित निकाल लिए गए लोग। जान जोखिम में डालकर पुलिस ने ये रेस्क्यू किया। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा दिया। बताया ये जा रहा है कि आसपास के मकानों तक ये आग फैल सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि आग नहीं फैली। उसके पहले ही पुलिस की टीम जो है उसने तुरंत कार्रवाई की और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड है उसने भी कार्रवाई की। आपको बता दें कि कंठाल चौराहे की ये घटना है, जहां पर बड़ा घनी आबादी रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं और बेहद नज़दीक मकान बने हुए, और ऐसे में बड़ी दुर्घटना होती होते चल। खबर रतलाम से आपको बताते हैं, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चल गए खेत में।
इसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, एक दूसरे को पीटते हुए ये लोग नजर आए। दो पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आए। महिलाएं भी शामिल थी, दो घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों के 9-9 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। 29 तारीख की ये घटना है, पिपलोदा थाना पुलिस जांच में चुकी है। और आइए अब आपको एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से मिलवाते हैं जो स्कूल जाए बगैर करोड़ों की संख्या को आसानी से पहचानता है। पहचानता ही नहीं, 4 साल का बच्चा संख्या का कंपैरिजन कर उसका एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता देता है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के रहने वाले 4 साल के अनक चित्तौड़ा ने प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। अनक इस छोटी उम्र में गणित की बड़ी संख्याओं को पहचान लेता है। बिना स्कूल ज्वाइन करे 4 साल का अनक करोड़ों की संख्या को आसानी से न केवल पहचान लेता है बल्कि मिनटों में उसका कंपैरिजन भी कर देता है। 22 crore 25 lakh 25,644। महज 3 साल 11 माह की उम्र में अनक का नाम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अनक की माँ श्रद्धा बताती हैं कि अनक ने 9 डिजिट को पहचानने और उसका कंपैरिजन करने का रिकॉर्ड बनाया। अब वो हो गया है 4 इयर्स का और इसने रिकॉर्ड बना लिया था 3 साल 11 महीने की एज में। इसने बनाया कंपैरिजन 10 डिजिट 10 करोड़ नंबर तक के रीड नंबर्स रीड करके उसको कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो कंपैरिजन का इसने रिकॉर्ड बनाया है। हमने 100 नंबर लिए थे, 50 नंबर्स का कंपैरिजन था, मतलब 50 का डबल हो गया 100, तो इसने 5 मिनट्स लिए, 20 सेकंड्स में इसने रिकॉर्ड बनाया, 5 मिनट्स 20 सेकंड्स। अनक की मां श्रद्धा का कहना है कि वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके बेटे को सर्टिफिकेट दिया है। फरवरी 2023 से अनक ने इन संख्याओं को पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले 1 to 100 तक रीडिंग सिखाई गई, उसके बाद 1000 lakhs और करोड़ की रीडिंग शुरू करवाई गई, जो अनग ने आसानी से कर ली। श्रद्धा का कहना है कि अनग ने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अनग मैथ्स में बहुत अच्छा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अपने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।